नाजरों में फर्स्ट टाइम चक्कर लगा है, लेकिन माशाल्लाह से शौक देखे मजा आया जी। 25 मुंह से बोल रहा हूँ वो कार के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह लेंथ देखिए बकरी की, वो जो बकरा ब्रीडर आपको दिखाया ना उसी के साथ की जोड़ की बकरी है। ये देखिए जी 20 साल में तजर्बा देखे भाई का, अल्लाह पाक इनको मजीद कामयाबी दे, बहुत अच्छा तजर्बा है। आप बोलूंगा ये कन्फर्म है, मेरी गारंटी होगी, मेरी जिम्मेवारी होगी। अगर करास ना निकली, कन्फर्म प्रेगनेंट ना निकली तो मेरी है चीज। ठीक, खड़ा कर लेते हैं दीवार के साथ, इनके नीचे से ओडर के साथ सफाई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज माशाल्लाह से जी अजरों में फर्स्ट टाइम जो है ना पहला शौक अजरों का मैं दिखाने जा रहा हूँ मलक तायर गोट फार्म पे जी। वीडियो का आगाज़ करेंगे दुरूद पाक से, आप दोस्त भी पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो माशाल्लाह से शौक करवाएंगे सही टॉप लेवल की जो ब्लड लाइन बीतल की, इंशाल्लाह वो जानवर है इनके पास मलक तायर जो है ना गोट फार्म पे। और ये जानवर वैसे आपको पंजाब साइड पे फैसलाबाद साहिवाल विहाड़ी वाली साइड पे देखने को मिलते हैं, लेकिन नजरों में फर्स्ट टाइम चक्कर लगा है, लेकिन माशाल्लाह से शौक देखे मजा आया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, शुक्र है अल्लाह पाक का जी। आप सुना? शुक्र है अल्लाह पाक का। वाले साहब थे ना जिनके साथ रब्ता हुआ, क्या नाम है आपके वाले साहब का? शौकत साहब। शौकत साहब से काफ़ी टाइम से रबते में है जी, कहते हैं जी फार्म पे विज़िट करो, आप गोंदल मंडी में जाते हो तो साथ ही हमारा फार्म है। लेकिन बस पीछे मैंने गोंदल मंडी के कोई विज़िट वगैरह नहीं किए क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी बेहतर हुआ हूँ। तो उस दिन तायर भाई से मुलाकात हुई है टेक्सला मंडी में, वो वीडियो आपने देखी होगी माशाल्लाह से नागरा बकरा था इनका, उधर ही सेल आउट हो गया, नसीबों की बात है। तो फिर उधर तायर भाई ने मुझे कहा है जी आप जो है ना हमारे फार्म का चक्कर लगाएं, तो आज फाइनली हमारा जो है ना विज़िट हुआ है माशाल्लाह से। देखें शौक, बाकी पीछे भी आपको जानवर नज़र आ रहे होंगे, कुछ चंद एक जो है ना जानवर आपको दिखाएंगे, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ये ब्लड लाइन वाली चीज़ें हैं जो कि आम रेगुलर आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तायर भाई जी, क्या डिटेल पे माशाल्लाह से? 8 दांत है जी। 8 दांत पे, और हाइट कितनी है इसकी? 46 जी। माशाल्लाह 46 हाइट है जी इस जानवर की, और 8 दांत में। और ये ब्लड लाइन जो है इसके बारे में पता है जी? साहिवाल से आया, शहजाद गोट फार्म से। शहजाद गोट फार्म साहिवाल से आया है जी। तो माशाल्लाह से अभी ये ब्रीडिंग वगैरह करवा रहे हैं इससे? जी जी, ले रहे हैं जी, ब्रीडिंग वगैरह हो रही है जी इससे। और अभी टोटल कितने जानवर हैं अपने पास? अभी मेरे पास 60 पीस है जी, बच्चों समेत 60 हैं जी। जी ठीक हो गया। और ब्रीडर एक ही है? ब्रीडर एक ही है जी। और एक वो जो उस दिन सेल कर गया है आप? वो जी जी, इसका बच्चा था। ठीक हो गया। अभी जो बकरियां आपके पास हैं वो इसी से लगी हैं कि उससे लगी हैं? नहीं नहीं, ये मैंने एक दूसरा लिया था वो नागरी में। अच्छा। तो अभी वो मेरे पास उसका ठीक नहीं था तो मैंने हलाल कर दिया है उसको, उसकी ब्रीड है मेरे पास। अच्छा, अभी उसकी जी जी। मैं अभी आपको अभी जो बकरियां अपने पास ये बच्चे दिए हुए हैं कि बच्चे देने वाली हैं? बच्चे देने वाली हैं जी सारी। चलिए चांद एक जो इनकी टॉप की बकरियां उनका शौक करवाएंगे, बकरियां बहुत ज़्यादा है सबका शौक नहीं हो सकता, तो जो इनकी टॉप की बकरियां उनका शौक करवाएंगे आपको माशाल्लाह से। बकरा तो आपने देख ही लिया है माशाल्लाह, ब्रीडिंग हो रही है ये देखें, कहा देख लें बकरे का माशाल्लाह से ये देखें। साहिर भाई ले आए जो आपकी जो ना टॉप की बकरियाँ हैं तो सारी माशाल्लाह से अच्छी हैं, जो आपकी नज़र में ज़्यादा अच्छी हैं वो ले आएँ। मैं खुद ही शो करवाता हूँ अपने तरीके से माशाल्लाह से। तायर भाई क्या डिटेल पे बकरी? बकरी 8 दांत पे है जी। अच्छा, 8 दांत पे है माशाल्लाह, प्योर नागरा कलर है। और प्योर नागरा कितने महीने की गबन है जी? 2.5 महीने की गबन है जी जी। अपने पास तीसरा चौथा सुआ करेगी जी? तीसरा चौथा। अपने पास कितने की है अभी सुए? मेरे पास दूसरा है जी। दूसरा है जी जी। ये आई किधर से थी? ये साहिवाल से आई। साहिवाल से आई थी जी बकरी के पास माशाल्लाह से। अच्छा खासा जो ना कद काठ है। अरे वना वगैरह देख लें। मैं साहिवाल मंडी कभी नहीं गया हूँ, मैं उधर जाके रेवर से बकरियाँ चुन चुन के लेके आता हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह से रेवर मंडी नहीं गया, मंडी का माल नहीं है जी ये, उधर रेवर से जो है ना जाके माल ले गए। बकरी माशाल्लाह जैसा बकरा था वही जो है ना कलर है, प्योर नागरे में और अच्छी माशाल्लाह से हाइट में। कितना टाइम बताया? 3.5 महीने? नहीं जी, 2.5 महीने। 2.5 महीने जी। ठीक हो गया। तो दूध की क्या एवरेज होती है बकरियों की? दूध की 3.5 लीटर 4 लीटर हमारे पास की है जी। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। बच्चों को पिला के टोटल? नहीं नहीं टोटल। अच्छा टोटल जी जी टोटल। ठीक हो गया माशाल्लाह। दूध की हमारी गारंटी होगी जो चीज बोल रहे हैं। ये अभी आपके पास जो जानवर है ये सिर्फ शो की करवाना है कि देने भी है? नहीं, अगर कोई लेने वाला भाई हो तो रब्ता कर ले, लेकिन मजे लगाने वाले बहुत आ रहे हैं, तंग बहुत कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, वो जो बकरे की वीडियो लगाई थी? हाँ ना, मैंने नंबर दे दिया था तो बहुत लोग तंग कर रहे हैं। तो ठीक हो गया। ये दोस्तों बताने का मकसद ये है कि रेगुलर चीज़ें नहीं है जो आप मंडी के हिसाब से देखते हैं ना, उस हिसाब से अगर आपने देखनी है तो मंडी बेस्ट जो है ना आपके लिए ऑप्शन है, मंडी विज़िट कर लें। जो दोस्त इस चीज़ की पहचान रखते हैं वही जो है ना इनसे रब्ता करें। आपको पता है हर बंदे का टाइम कीमती है, तो टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। तो तायर भाई नेक्स्ट लें, इसके बाद सारा माल देखिए माशाल्लाह से मज़ा आया है। वैसे तो ये पंजाब साहिवाल वगैरह की हम वीडियो यूट्यूब पर ही देखते हैं, मैं खुद भी विज़िट करके आया हूँ साहिवाल का, रेवड़ वगैरह देखी हैं। तो इधर अपने इलाके में इस तरह का माल माशाल्लाह से देखे बड़ा मज़ा आया है। पहले फुल नागरे में दिखाइए, अभी माशाल्लाह से नागरे डिब्बे में आ गए। तायर भाई क्या डिटेल है?
ये 3.5 महीने की गबन है जी। अच्छा, बकरी 8 दांत है। 8 दांत जी, जी। बड़ी तीसरा सुअर है जी मेरे पास अभी। उधर से क्या ये साहिवाल से ही? साहिवाल से जी, मैं साहिवाल मंडी नहीं गया हूँ, रेवर से पीस चुन चुन के मैंने। माशाल्लाह से ये देखे कानों की लापर देखे, व्हाइट आईज फेस वगैरह देखे, और माशाल्लाह से ये बॉडी स्ट्रक्चर देखे बकरी का। सबसे बेहतरीन चीज इसका एवाना देखे, माशाल्लाह आइडियल एवाना है, बिल्कुल ठुकवा एवाना। थनों की लेंथ देख ले। तो क्या इसकी दूध की एवरेज? दूध की एवरेज इसकी भी 3.5 है जी। माशाल्लाह 3.5 तक, 3.5 तक की है। लंबी जोड़ी बातें नहीं है आजकल, तो लोग 5-5, 7-7 नहीं, जो चीज मुंह से बोल रहा हूँ वो करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया माशाल्लाह। ये कितना टाइम की लगी हुई है? ये 3.5 की, 3.5 महीने कंफर्म, 3.5 तकरीबन 1.5 महीना निकालेगी। फार्म की आपके पास तो पूरी डिटेल होगी ना लिखी हुई? जी जी पूरी जी, गाइड पड़ा है। ठीक हो गया, ये पूरी डिटेल है जी। आप आएंगे इंशाल्लाह हर एक चीज आपको बताई जाएगी। जो शौकीन है, अच्छा शौक करना चाहते हैं, वो ताहिर भाई के नंबर पर। जिस ब्रीडर का मैं बताऊंगा उसकी 47-48 हाइट थी। अच्छा, उस ब्रीडर की वो नागरे कलर में ही था? जी जी नागरे में था, डब्बा था इसी कलर में। चले अगर आपके पास कोई पिक्चर तो मैं वीडियो भी उनकी आपको दे सकता हूं, कर दूंगा इंशाल्लाह, वीडियो भी मिल जाएगी। तो नेक्स्ट लें ज्यादा शौक ताहिर भाई, मुझे ख्याल से नागरे का ही है आपको ना? नागरा जी, नागरा, नागरे का शौक है क्योंकि ज्यादा नागरी नजर आ रही, बीच में काली भी है, उनका भी शौक करवाएंगे, लेकिन फिलहाल ताहिर भाई अपनी मर्जी की दिखाई। माशाल्लाह ये देखें हाइट बकरी की, ये भी नागरे डिब्बे में आ रही है। कानों की लापर वगैरह देखें इसकी, कितने सुए पे है? ये भी तीसरे चौथे पे। अभी कितना टाइम निकाल रही है? अभी ये निकालेगी जी 3 महीने और। 3 महीने मतलब 2 महीने की लगी हुई है? जी जी तीन और, 2 महीने की लगी हुई है जी, 3 महीने मजीद लेगी। माशाल्लाह से चीज़ें देख ले, बताने की ज़रूरत नहीं, आप शौकीन हमसे बेहतर जो है ना समझते हैं इस चीज़ को, देख के बंदा पहचान लेता है चीज़ को। तो अभी रिसेंटली वो जो टेक्सला मंडी की मैंने वीडियो अपलोड की थी ना, एक भाई इस्लामाबाद से विज़िट करके गए हैं जी, तो माल लेके गए मेरे से। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, देखें शौकीन आए हैं, कदर की है इन्होंने भी, उन्होंने भी, और माशाल्लाह से अभी कह रहे थे कि दोबारा भी जो है ना कुछ लेने के मूड में हैं। जी जी बिल्कुल, चलें और भी कोई दोस्त भाई अगर इंटरेस्टेड हो वो भी विजिट कर सकते हैं इनके फार्म का। तो लोकेशन ये अपने फार्म की बता दे, मलिक ताहिर गोट फार्म, तहसील अजरो, जिला अटक, गाँव दामान, दामान गाँव है जी अजरो में। जो हमारे अजरो के छाछी भाई देख रहे हैं वो आज वीडियो देख के बड़े खुश होंगे, क्योंकि आज छच में जो है ना फर्स्ट टाइम मैं शो करवाने आया हूँ। तो नेक्स्ट भी इंशाल्लाह चक्कर लगते रहेंगे, जैसे जैसे जो है ना आप भाइयों का प्यार मिलेगा। नागरी ताहिर भाई की फेवरेट है, काली मेरी फेवरेट है। ये माशाल्लाह से ताहिर भाई फर्स्ट टाइमर ला गई है? जी जी ये फर्स्ट टाइमर है माशाल्लाह, फर्स्ट टाइमर। दांतों में अभी 4 है जी, 4 वाइट आइज में, माश बड़ी खूबसूरत, बिल्कुल जेट ब्लैक कलर में, सिर्फ आंखें इसकी जो है ना वाइट है पाठ की। और कितने टाइम की लगी हुई है ये? भी 3-3.5 महीने की कंफर्म गबन है, पहले सुअर की कंफर्म गबन है। ये देखें एवाना बनाना स्टार्ट कर दिया है, असल जाके जो है ना बकरी का एवाना तैयार होता है 4 महीने के बाद। माशाल्लाह से एक और आ गई है काले डब्बे कलर में। तो ये जो इससे पहले पार्ट दिखाई है वो इधर अपने पास ही डिलीवर हुई है कि वो आई है? नहीं 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 आई है पीछे से, साहिवाल से आई है। जी जी, और ये दूसरे क्रॉस मेरे पास हुई है वो पार्ट। अच्छा क्रॉस आके इधर हुई है, कानों की लापर देखे माशाल्लाह बकरी की, ये देखें माशाल्लाह। ये दांतों में? ये दांतों में 6। सुआ कितना है? पहला माशाल्लाह पहला होगा जी। ये देखें जी थनों से लाग नहीं रहा, पहला होगा, लेकिन माशाल्लाह से ये देखें बहुत अच्छे थान तैयार कर गई है। ये सही आई मिल्किंग गोट, जिस चीज़ पे मुझे शक है कि ये गबन है तो मैं वो नहीं दूंगा, वो मतलब शक वाली नहीं, जो वो मैं सूखे में सौदा करूंगा। ठीक हो, मैं आपको साफ बोलूंगा, ये जो इसको अभी गिल्टी वगैरह बनी इसका इतना इशू तो नहीं है? ये बादी होती है ज्वार के साथ। अच्छा ज्वार के साथ फट जाती है, इस पर हम स्प्रे करते हैं साथ में नमक बार के, तो ये ऑटोमेटिक ये ठीक हो ठीक हो गया, इसका इशू इतना होता नहीं है। ज्वार के साथ ये बादी, हम सर्दियों में इनको ज्वार के दाल डालते हैं इस वजह से। ठीक हो गया, अभी कितने टाइम की लगी हुई है जी? ये अभी 2 महीने की करा सकती है जी जी, कंफर्म नहीं है अभी, कंफर्म नहीं, ये कंफर्म नहीं है। ये जो भाई भी लेगा मैं सोके में दूंगा, खाली का सौदा होगा, खाली का सौदा होगा। मिनिमम क्या रेंज है अपने पास और मैक्सिमम क्या है? मिनिमम इधर से 50,000 से रेट शुरू होता है। अच्छा मतलब नॉर्मल वाली भी है? नॉर्मल वाली, ठीक हो गया। 2,50,000 तक भी हमारे पास चीज है जी। माशाल्लाह, मैंने कहा वो साहिवाल वाला काम होगा, 5-5, 7-7 लाख वाला? नहीं वो चीज नहीं है, 2,50,000 से लेके 2.5 लाख ढाई लाख हम अभी मंडी में भी ये रूटीन चल रही है। जी जी, 1.5 लाख पूरे 2 लाख की बकरी तो मंडी में भी देखने को मिलती है। जी जी, मैं लास्ट जानवर आपको दिखाता हूँ। ठीक हो गया, लास्ट दिखा दें, फिर बाकी इंशाल्लाह ओवरव्यू करवा देंगे सारी बकरियों का आपको। लें जी माशाल्लाह से ये बकरी चेक करें, इसका नाम है रेल कार। क्या नाम है? रेल कार नाम, रेल कार। माशाल्लाह लेंथ देखिए बकरी की, वो जो बकरा ब्रीडर आपको दिखाया ना उसी के साथ की जोड़ की बकरी है। ये अभी कितने सुबह भी है? ये अभी दूसरा सुआ करेगी जी मेरे पास। अच्छा माशाल्लाह आपके पास दूसरा सुआ करेगी? जी जी। तो ये भी उधर साहिवाल से आई है? ये भी साहिवाल से। अभी दांतों में 8 है? जी दांतों में 8 है। अभी कितने टाइम की लगी हुई है?
अभी ये लगी हुई है जी, ढाई महीने की। ढाई महीने की जी जी। कन्फर्म है ये? नहीं ये कन्फर्म नहीं, भी कन्फर्म नहीं है। ये भी खाली का सौदा होगा, खाली का सौदा होगा। कान वगैरह देखें, जो कन्फर्म होगा मैं उन भाइयों को साफ बोलूंगा ये कन्फर्म पे मेरी गारंटी होगी, मेरी जिम्मेवारी होगी। अगर करास ना निकली, कन्फर्म प्रेग्नेंट ना निकली तो मेरी ये चीज। ठीक हो गया। ये तो चले, ये आपने गबन वगैरह दिखा दिए, अभी कोई खाली पट्टे वगैरह या कोई बच्चों वाली बकरियां वो दिखा दे कुछ। क्या देख, बच्चों वाली अभी कोई भी नहीं है। अच्छा वो सारी प्रेग्नेंट है, सारी प्रेग्नेंट है, सारी करा। हां जरा बच्चे दिखा दे, बच्चे थे, बच्चे दिखाते हैं जी आपको, बच्चों का भी शो करवा देते। बच्चे भी देने वाले हैं कि बड़े करके देने हैं? नहीं बच्चे अभी नहीं सेल करने, बच्चे अभी नहीं सेल करने जी। माशाल्लाह जैसी बकरियां, माशाल्लाह वैसे बकरे, नागरे का ज्यादा शौक हो रहा है। ताहिर भाई ये कितनी है जी बच्चे हैं? ये हैं जी 5 मंथ 6 मंथ के हैं, 5 से 6 महीने के। इसमें मेल ज्यादा 2 मंथ वाले भी हैं, 5 मंथ वाले भी हैं। ये अभी कम है, ये अभी 6 मंथ का बच्चा है, ये 6 महीने का। चेक करो ये अगर कोई रابطہ करे, मतलब अभी ये देने के नहीं है? नहीं नहीं अभी मैं नहीं देता। ठीक हो गया, ये फिलहाल इनका देने का मूड नहीं है जी, बच्चे तैयार करेंगे खुद। इसमें मेल ज्यादा है, फीमेल मेरे ख्याल से नहीं है ना? जी जी फीमेल नहीं, फीमेल नहीं है, तकरीबन ये सारे मेल है जी। और ये ब्लड लाइन वाले हैं, आगे अगर ब्रीडर आप बनाएंगे तो ये बड़े बेहतरीन ब्रीडर तैयार हो जाएंगे आपके पास। ये जो आप बता रहे थे ब्रीडर आपने जिबा किए, ये उसी के बच्चे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये जो मैंने अभी वीडियो में दिखाया ये उसके बच्चे। अच्छा ये बड़े वाले? इस दफा मैंने ब्रीडर चेंज किया था। अच्छा इस मरतबा चेंज किया था, ये सामने जो बड़ा ब्रीडर है ये उसके बच्चे हैं? जी जी ये उसके बच्चे हैं, और इस दफा मैंने ब्रीडर चेंज किया है। देख लें माशाल्लाह काफी खूबसूरत बच्चे हैं इसमें। काफी दोस्त कहते हैं जी फार्म का आप विजिट करते हैं साथ जो है ना उनकी दिखा दिया करें सेटअप वगैरह, तो सेटअप देख लें ये सारी जो है ना बाहर जिधर खुली होती है, ये पूरा प्लाट है इनके पास, बाकी अंदर जो है ना शेड भी दिखा देंगे, तो खुराक के बारे में जो है ना थोड़ी तफसील बता देंगे आपको। ये माशाल्लाह से नागरी पाठ जी, ताहिर भाई डबी पाठ ना पाण हो, क्या डिटेल भाई? ये 2 दांत है जी, अभी 2 दांत है, खाली है जी, खाली है फिलहाल जी जी खाली। ये आप तकरीबन 2 दांत पे जाके क्रॉस करवाते हैं कि? नहीं नहीं 4-6 दांत पे क्रॉस करवाता हूं। ये मतलब अभी 5-6 महीने के बाद ही क्रॉस होगी जाके? जी जी क्रॉस। ये देख ले व्हाइट आईज माशाल्लाह से, अभी 2 दांत पे लगी है पाठ, तोता फेस में, खाली है जी। ये भी खाली आ गई काली डबी, ये भी 2 दांत पे है, ये भी 2 दांत पे। ये माशाल्लाह से दोनों सेम एज की हैं, 2-2 दांत में, वो काली डब्बी में है और ये नागरे में। अच्छा ताहिर भाई जरा खुराक के बारे में बताइएगा, और ये अपना शौक बता दे, कितना टाइम हो गया शौक में? शौक में अभी 3रा साल है। अच्छा 3रा साल जी जी, ये मेरे वालिद साहब का शौक है। अच्छा वालिद साहब का शौक जी जी, तो कैसा मतलब आपका तजर्बा रहा 3 साल का? माशाल्लाह बहुत बेस्ट है जी, बहुत मतलब शौक है आपको, इसीलिए शौक के बगैर तो नहीं, शौक के बगैर नहीं होता कुछ काम भी, शौक के बगैर नहीं। स्टार्टिंग में कितनी बकरियां थी आपके पास? स्टार्टिंग में मेरे पास 30 दाने थी, 30 दाने थी, 30 पीस, मतलब स्टार्ट ही ज्यादा से लिया है। जी जी स्टार्ट ही ज्यादा से लिया। ठीक हो गया, मतलब स्टार्टिंग में तो बकरियां बीमार भी हुई होंगी? जी जी स्टार्टिंग में होता है, स्टार्टिंग में काफी मसले मसाइल होते हैं। आपका मोर्टेलिटी रेट कितना रहा है? कैसे मतलब मरी कितनी आपके पास? मरी इतना नहीं, इतना नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, मैंने जब अपनी सेटिंग बनाई हुई है वो कमरे में दिखा देता हूँ। अच्छा, सर्दियों का इंतजाम भी आपको, नीचे फटे लगाए हुए हैं। बीमार होती है मतलब एक्सपायर कोई नहीं हुई? नहीं नहीं, नहीं बीमार होती हैं, थोड़ा बहुत हुआ है एक्सपायर भी, लेकिन मेरे पास भी पूरा मेडिकल स्टोर बना है जी इनका। डॉक्टर वगैरह आते हैं आपको वैक्सीन? नहीं नहीं नहीं, मैं खुद बुखार चेक करता हूँ, टेम्परेचर। ये सबसे बेस्ट बात है जी, आपने फार्मिंग अगर करनी है ना तो आधा जो है ना डॉक्टर आपको खुद बनना पड़ेगा, आधा खुद बनना पड़ता है। ठीक है, तो तब जाके, क्योंकि आपको पता है डॉक्टर कई मरतबा अनाड़ी भी होते हैं, चीजें ले लेते हैं लेकिन वो प्रॉपर जो है ना ट्रीटमेंट नहीं कर पाते जी। खुराक के बारे में, इनको मूंगफली का टांगर डालते हैं अभी सर्दियों में। अच्छा, गर्मियों में इनके लिए हम जंतर लगाते हैं खेतों में। अच्छा, उन पे चराई करा देते हैं। और खुराक कितने टाइम? लूसन हम गर्मियों में इनके लिए स्टॉकिंग करते हैं, सुखाते हैं ना गर्मियों में। अच्छा, ये बनाते हैं? जी जी, वो रख देते हैं, फिर सर्दियों में फलियों का टांगर भी डालते हैं, लूसन भी डालते हैं, खुशक लूसन। ठीक हो, और सब लूसन भी अभी हमने लगाया हुआ है खेतों में, वो अभी 1 महीने तक आने वाला है, साथ में वो सब बस लूसन, और दिन को सब बस लूसन होता है इनका, शाम को मूंगफली का टांगर डालते हैं। और वनडे में कुछ दे रहे हैं? नहीं, गल्ला देते हैं, सूखा पेवे वाली खाल देते हैं, सरसों की खाल देते हैं, और इनके गंदम के दाल देते हैं, ज्वार के दाल देते हैं, चोखर देते हैं। ये 5 चीज़ें मिक्स करके इन सबको खुरलियों में डालते हैं शाम के टाइम। और चराई भी डेली करती है? चराई नहीं, गर्मियों में करते हैं, वो भी अपनी खेतों में करवाते हैं। जंतर वो ज्यादा दूर नहीं लेके जाते? नहीं 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 नहीं, बाहर किसी की खेत में नहीं करवाते, अपना सब कुछ करते हैं। ठीक हो गया जी जी। वंडा भी आपको बता दिया जी, बाकी जो खुराक दे रहे हैं वो भी बता दिया, और तेल वगैरह जो तेल सरसों का होता है,
जो मैं का तेल होता है और तेल का तेल होता है, ये तीन तेल होते हैं मिक्स। ये दोनों मौसम में चलता है, गर्मी सर्दी में के? नहीं नहीं, ये हम सर्दी में सिर्फ देते हैं, वो इनको खुश्की हो जाती ना मूंगफली के टांगर के साथ। अच्छा अच्छा, वो खुश्की दूर कर लेता है, फिर इनको नहीं होने देता। सर्दी में आप घी वगैरह देते? कोई नहीं, घी देते हैं जी। अच्छा अच्छा, घी लाजमी देते। उसका कोई फार्मूला है कि ऐसे सिंपल ही देते हैं? नहीं नहीं, वो रात को एक कढ़ाई बनाते हैं, उसमें दाल डालते हैं। अच्छा, 10-20 किलो दाल डाल के उसके ऊपर पानी डालते हैं, जब वो बारीक खा लेता है उसके ऊपर घी डाल देते हैं लतीफ़ वाला। अच्छा, उसको पका के सही, फिर एक एक पेड़ा बना के इनको एक एक। माशाल्लाह काफ़ी एक्सपायर्ड लग रहे हैं जी। एज आपकी कितनी है? एज मेरी 20 है जी। 20 है माशाल्लाह जी, देखें जी 20 साल में तजर्बा, देखें भाई का, अल्लाह पाक इनको मजीद कामयाबी दे, बहुत अच्छा तजर्बा है। ये जो बातें बता रहे हैं ना, ये सारा जो है ना जिंदगियाँ लगा देते हैं ये रेवड़ों के पीछे, तो तब जाके इतने तजर्बे आते हैं। तो दुआ है हमारी जो है ना, अल्लाह पाक इनको मजीद कामयाबियाँ दे, बाकी अंदर का भी जो है ना आपको जो आगे विजिट करवा। तो अभी लेके जाता हूँ मैं आपको शेड के अंदर, अंदर के मामला दिखाते हैं आपको क्या चल रहे हैं। ये माशाल्लाह से अंदर से देख लें शेड, नीचे पैलेट्स वगैरह लगे हैं, खुरलियाँ बनी हुई हैं पक्की। अगर बारिश होती है तो हम फिर इनको इसमें डाल देते हैं चारा वगैरह, और ये नीचे लगे हुए हैं, छोटा पेशाब बड़ा पेशाब इनके नीचे चला जाता है। ये सफाई कितने दिनों बाद होती है? डेली की सफाई, डेली सफाई होती है। पायलट उठा के उसमें, डेली सफाई में ये होता है चीचड़ वगैरह नहीं आते। ठीक हो गया, अगर डेली नहीं करोगे तो फिर बकरियों को चीचड़ आएंगे, बीमारियां बहुत सी लगती हैं, बीमारियां लग जाती हैं चीचड़ों से, जुओं से, ये जो होते हैं ना पिसू वगैरह, इससे जानवर सुस्त हो जाता है, खुराक पूरी नहीं करता। ठीक है, सुबह सफाई हुई है, आपको पता है हर बंद जो है ना बीमारी पकड़ लेती है। ये रात गए जी जी जी, इनको हम ऐसे खड़ा कर लेते हैं दीवार के साथ, ठीक है, इनके नीचे से ओढ़ के साथ सफाई कर लेते हैं, रेडी बार के बाहर ले जाते हैं। ठीक, रात को खुराक अंदर ही होती है कि बाहर? अभी तो सर्दियाँ हो गई है। नहीं नहीं, अंदर होती है रात, रात को अंदर होती है जी। खुलियों में डाल, ये सारी दोनों कमरे इनके हैं जी। ठीक हो गया, आगे बांस वगैरह लगा के ना बंद किए हुए ताकि कोई बकरी वगैरह अंदर ना जाए। तो देख ले माशाल्लाह अंदर का सारा सिस्टम। ये रात के लिए, ये कितने जानवर आपने बताए हैं? 60 जानवर, सारे आ जाते हैं इस कमरे में? जी जी, कुछ इधर होते हैं कुछ इधर होते हैं। अच्छा, दो कमरे साइड पे होते हैं। चलें जी, तमाम दोस्तों ने बताना है माशाल्लाह से कैसा लगे आपको तायर भाई का शौक, मलक तायर गोट फार्म, दामान गांव अजरो, जिला अटक है? जिला अटक, तहसील अजरो, गाँव दामान। ठीक हो गया, कॉन्टेक्ट नंबर मेरा पहली वीडियो में भी है, फिर भी देते बता दें, 0317-47-11-673। ठीक हो गया, व्हाट्सएप इसी में है। कोई बंदा अगर विजिट करे, टाइम की पाबंदी है क्या, एनी टाइम आ सकते हैं? नहीं नहीं, एनी टाइम कॉल करके आ जाए। ठीक हो गया, पहले कॉल कर लें, अगर फार्म पे ये अवेलेबल हों तो आप विजिट कर लें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ऐसा ही नया और अच्छा शौक लेके आपके लिए हाजिर होंगे। नंबर मेरा नोट कर लें, आप में से भी अगर कोई दोस्त भाई इंटरेस्टेड हो अपने फार्म वगैरह की वीडियो बनवाने के लिए, 0311-539-121-0311-3591-221। वीडियो के स्टार्टिंग में भी चला देता हूँ, तो जो भाई रब्ता करना चाहे तो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। नई वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, सलाने के बाद।